गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो कि एवलिन ग्लेनी के द्वारा लिखा गया है। एवलिन ग्लेनी के बारे में अगर आप लोग गूगल में, विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा कि ये 1000 इंस्ट्रूमेंट से भी ज़्यादा ये उसका बजा सकती है। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्कशनिस्ट हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो शुरू होता है एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर एवलिन ग्लेनी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि लंदन में है, वहाँ जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। तो ये तो स्टोरी का स्टार्टिंग था। अगर हम लोग समराइजेशन में आएंगे तो उसमें हम लोग को ये जानकारी मिलेगा, जो इनकी जो मदर थी इजाबेल जब इनकी जो माँ थी, तो एक दिन की बात है जब वो छोटी थी एवलिन ग्लेनी, करीबन 8 से 9 साल की उम्र में, तो पियानो बजा रही थी। तो उसी दरमियान क्या हुआ, तो इजाबेल जो कि एवलिन ग्लेनी की माँ है, आवाज़ लगाई एवलिन को, लेकिन एवलिन वो आवाज़ सुन नहीं पाई सही से। तो इस तरह की चीज़ें वो होती गई कई दिनों तक। माँ जब भी कुछ आवाज़ लगाती वो सही से नहीं सुन पाती। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी माँ, एवलिन की माँ, उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर के पास जब लेकर गई तो डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो मालूम चला कि उनके नर्व में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीवियर हो गया तब जब इनका उम्र 11 ईयर्स के हो गया, ठीक है। तो उनको जब वहाँ पर जाने के बाद से मालूम चला कि उनको अब हेयर एड लगाने के लिए सलाह दिया गया डॉक्टर के ज़रिए, और डॉक्टर ने कहा कि एवलिन को अब डीप स्कूल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो मानिए कि अगर हम लोग के लाइफ में कुछ ऐसा अचानक सा है कि हमें एक अचानक से एक दिन मालूम चले कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, ये चीज़ें क्या होगा कि हमारे लिए एक हैवॉक सिचुएशन क्रिएट होगा। लेकिन एवलिन इससे परे आई और अपने हिम्मत से, अपने जज्बे से आगे बढ़ी। तो उनके स्कूल में भी टीचर्स, स्टूडेंट्स उनको उस तरह की तवज्जो, ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। लेकिन एक टीचर थे उस स्कूल में, इनका नाम था रॉन फॉक्स को रियलाइज़ हुआ कि ये एक स्पेशल काइंड स्टूडेंट है। तो रॉन फॉक्स क्या करते थे, इनको म्यूज़िक के जो क्लासेस देते थे, तो उस वक्त क्या होता था कि म्यूज़िक की क्लास में इनको 2 ड्रम दिया गया था, और वो साउंड जो पीसता है, एक जो वेस्ट के ऊपर में उनको लगाया गया, एक वेस्ट के नीचे। तो वो साउंड पीस से वो कहते थे रॉन फॉक्स की, तुम आवाज़ को महसूस करो। इस तरह से उनकी शुरुआत हुई। रॉन फॉक्स एवलिन की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी कैलिबर है, वो तब जाने कि जब एक बार एवलिन की जो दोस्त है ज़ाइलोफोन बजा रही थी, वो खुद भी जाके बजाने लगी। तो ये उनको एहसास हुआ कि इसके अंदर में कुछ कैपेबिलिटी है जिसको हम लोग आगे नरिशमेंट कर सकते हैं। इस तरह से शुरुआत हुआ और धीरे धीरे करते करते 16 साल की उम्र में क्या हुआ कि एवलिन जो है यूथ ऑर्केस्ट्रा, जो कि यूके का एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है, वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया। करीबन यूके के जितने भी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो सारी टाउन्स में और सिटी में उनको घूमने का मौका मिला। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसके बाद से उन्होंने ये ऑर्केस्ट्रा को छोड़ दिया और अपना सोलो परफॉर्मेंस खुद से देने लगा। तो एक लड़की जो कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी, उनको जाने का इसलिए मौका मिला क्योंकि उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था। तो एग्ज़ाम में उन्होंने पूरे टॉप किया था, यानी जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि बहुत ही बड़ा एक संस्था है, उसमें उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया था कि सबसे ज़्यादा नंबर ला के उन्होंने उसमें पास आउट किया था, वो भी डेफनेस होने के बावजूद। तो हुआ ये कि उसके पास से धीरे धीरे करते करते ये एक अपना एक नाम मुकाम हासिल किया एवलिन ग्लेनी ने, और 1991 में उन्हें सोलोइस्ट अवार्ड मिला। सोलोइस्ट अवार्ड जो कि रॉयल फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है।
जो कि एक ऑर्केस्ट्रा और सिम्फोनीज के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिकल चीज़ों के लिए दिया जाता है, लेकिन उनको डेफिनेस होने के बावजूद जो कि सबसे बड़ा अवार्ड उनको 1991 में मिला। तो ये स्टोरी के ज़रिए हमें ये जानकारी मिलता है कि डेफिनेस होने के बावजूद भी एवलिन अपना हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उस कमी को उस अपनी हिम्मत बनाई। और ये सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं जिसके अंदर में कुछ कैपेबिलिटी नहीं होती, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल है और हम लोग के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तो आई होप ये स्टोरी आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरह से और भी हम लोग स्टोरी आगे लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।